देश में चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक दल अपनी सियासी गलियारों में अपनी पैठ मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दलित वोट बैंक को साधने की भी तमाम राजनीतिक दलों की एक मंशा रहती है। उसमें सबसे बड़ा नाम देश की राजनीति में बेशक विख्यात हो बहन कुमारी मायावती का, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी के रूप में अब राजनीति में उभर कर सामने आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रमन। जी हां, आजाद समाज पार्टी के संयोजक चंद्रशेखर आजाद आज उत्तर प्रदेश के संभल जाते हैं। वहां पर स्वर्गीय श्री शफीकुर रहमान बर के जनाजे में शामिल होने के बाद रामपुर जाने की योजना पर काम करते हैं। रामपुर में अंबेडकर की मूर्ति को लेकर दो गुटों में झड़प हो जाती है और वहां पर पुलिस की मौजूदगी में गोलियां चलती है। इसके दौरान एक 17 वर्षीय युवक की मौत हो जाती है। उस मौत के बाद भारी बवाल मचता है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए चंद्रशेखर आजाद वहां पर जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन संभल में ही उनको हिरासत में ले लिया जाता है और पुलिस यहां पर कहती नजर आती है कि किसी भी प्रकार की स्थिति अनियंत्रित न हो, इसलिए हमने चंद्रशेखर आजाद को हिरासत में लिया है। तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर का कहना है कि यहां पर देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में दलित के साथ इस वक्त सबसे घिनौना कर्तव्य हो रहा है और दलित समुदाय पूर्णतया से यहां पर पतन की ओर जा रहा है। तो क्या आखिरकार अब चंद्रशेखर आजाद दलितों के मसीहा के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं? इसी मुद्दे पर चर्चा रहेगी। मेरे सहयोगी अक्षय मेरे साथ हैं। अक्षय, आपका स्वागत है। पहला सवाल रहेगा अक्षय कि जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण यहां पर दलित वोट बैंक को साधने की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन दलितों के बड़े नेता के तौर पर बनकर सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश को अपना पूरा अधिकार आधिपत्य अभी बना रहे हैं, क्या ऐसे में मायावती के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आती हैं और क्या दलित वोट बैंक अब धीरे धीरे करके चंद्रशेखर की ओर जाना शुरू हो चुका है? बिल्कुल दिनेश, देखिए इस बात में कोई दोराय अब नजर नहीं आ रही है। अब नहीं भुला सकते 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव, जिस तरीके से यहाँ सूबे की 403 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था, ऐसे में उम्मीदवार जो उतारे गए उसमें महज एक ही बसपा उम्मीदवार को जीत मिली थी। और उम्मीदवारी और जीत को भी अगर हम इतर रख दें तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनावों में मायावती कितनी सक्रिय थी, बिल्कुल भी सक्रियता उन्होंने नहीं अदा की, जो साफ दर्शाता है कि कहीं कोई तो ऐसा कारण जरूर है जो मायावती के साथ अब तक चल रहा है पिछले 4 से 5 सालों से कि वो सक्रिय राजनीति से लगातार दूर हो रही है। अब आप देखिए कि मायावती बहुजन समाज पार्टी, जिसे दलितों की पार्टी कहा जाता है, खासतौर पर सबसे बढ़कर उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, उस मायावती की बहुजन समाज पार्टी, वो BSP अगर यहां सक्रिय राजनीति से अपने पैर पीछे करेगी तो जिस तरीके से चंद्रशेखर आगे अपने पैर बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर जो दलित वोट बैंक है वो अब मायावती से हटकर यहाँ आसपास की ओर जरूर जाएगा। आप देखिए चंद्रशेखर आजाद को लेकर जिस तरीके से आपने यहाँ पर सवाल किया, यहाँ पर पूर्व सांसद स्वर्गीय शफीकुर रहमान बर्क के जनाजे में शामिल होने के लिए जब चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे तो अंदाजा आप इस चीज से लगा लीजिए कि एक यहाँ पर सामाजिक एक नेता होने के नाते समाज में अपनी हर प्रकार से भागीदारी अदा एक नेता को करनी होती है, उसी को एक प्रकार से उसी कर्तव्य का पालन करने के लिए आजाद जब संभल पहुंचे थे तो ये दर्शाता है कि वो समाज के हर पहलू को साथ लेकर चल रही है। नेता का देश के सबसे उम्रदराज सांसद का जब निधन होता है तो उनके जनाजे में शिरकत करने आजाद पहुंचते हैं, जो साफ तौर पर दर्शाते हैं कि वो समाज के हर पहलू हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसके अलावा यहां पर जिस तरीके से रामपुर में कांड होता है, एक दलित युवक की मौत हो जाती है, यहाँ पर बड़ा बवाल उस पर होता है, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद यहाँ संभल से रामपुर की ओर रवाना होने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहीं उन्हें पुलिस रोक लेती है। लेकिन अब जिस तरीके से वो रामपुर की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं तो आखिर क्या है इसका कारण? कारण सीधा यही है कि समाज के हर पहलू हर वर्ग हर क्षेत्र में अपनी सक्रियता चंद्रशेखर आजाद रावण बढ़ाते जा रहे हैं, वहीं मायावती पीछे हटती जा रही है। यहाँ पर सवाल देखिए सीधा कि ये भी निकल के आता है जो कहीं ना कहीं इस पूरे जो मसला
है इसको जवाब में भी एक निकाल के दे देगा कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आम चुनाव आ रहे हैं, और आम चुनावों में तमाम लोगों ने मायावती को कितना कैमरे पर भी देखा, कैमरे पर तमाम लोग जिस तरीके से देखते हैं या आंखों देखा कितना देखा, तमाम नेता, तमाम राजनीतिक, सभी राजनीतिक दलों के तमाम प्रकार से रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने राज्यों में, मायावती कितनी सक्रिय है। सीधा सवाल, सीधा जवाब यही है कि मायावती सक्रिय नहीं है, और चंद्रशेखर आजाद की जो सक्रियता लगातार बढ़ रही है उससे जो यहाँ पर दलित वोट बैंक है वो चंद्रशेखर आजाद की ओर धीरे धीरे स्थानांतरित हो रहा है और भविष्य में ये बड़ी संख्या में स्थानांतरित हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर अक्षय जिस तरीके से आजाद दलितों के एक बड़े नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं, अगला सवाल यह रहेगा कि उत्तर प्रदेश शासन को लेकर और इसके साथ साथ मोदी सरकार को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है कि यहाँ पर दलितों की स्थिति लगातार जो है वो बेकाबू होती जा रही है, खराब होती जा रही है। क्या वाकई में दलितों के मसीहा के तौर पर अंबेडकर माने जाते थे, काशीराम माने जाते थे, उनके आदर्शों पर चलती हुई नजर आती थी यहाँ पर मायावती, लेकिन क्या वाकई में इस तरीके की घटनाएं होना और फिर पीड़ित परिवार से मिलने जाने के लिए किसी भी राजनेता को सामाजिक तौर पर रोकना क्या पुलिस का उचित कर्म लगता है? बिल्कुल, देखिए दिनेश, जिस तरीके से पुलिस के द्वारा यहाँ पर एक प्रकार से हाउस अरेस्ट हम किसे कह सकते हैं, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को लिया गया है, कहीं ना कहीं सवाल जो है प्रशासन पर खड़ा करता है, साथ ही साथ शासन पर भी सवाल यहाँ खड़े होते हैं सरकार पर कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी, क्या स्थिति आ गई कि चंद्रशेखर आजाद को रामपुर जाने से रोकने के लिए सीधे तौर पर एक प्रकार से हिरासत में ले लिया गया। साथ ही साथ आपने जिक्र किया कि चंद्रशेखर उस रास्ते पर है जहां वो आगे चलकर भीमराव अंबेडकर, काशीराम और मायावती जैसी पहचान बना पाएंगे, तो देखिए इस चीज की तो संभावनाएं मुझे कम नजर आती। आप इस चीज का अंदाजा ऐसे लगा करके चल सकते हैं कि मायावती चार बार सूबे की मुख्यमंत्री रही हैं, एक मर्तबा उन्होंने जो शासन पूरा किया बतौर मुख्यमंत्री 2007 से 2005 के बीच, 2012 के बीच वो शासन काल था बसपा का, जहां उसे यूपी विधानसभा चुनावों में, 2007 के चुनावों का मैं जिक्र कर रहा हूं, 2007 के यूपी विधानसभा चुनावों में बसपा को पूर्ण बहुमत मिला। लेकिन उससे पहले तीन बार मायावती जिस तरीके से मुख्यमंत्री रही, उस दौरान उस वक्त में आप ये चीज नहीं बुला सकते कि सहयोगी दलों को साथ लेकर के वे चली थी, जहां बसपा बहुजन समाज पार्टी, मायावती दलितों की पार्टी लगातार से कही गई है, उस मायावती ने, उस बसपा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गठबंधन किया है। नकार नहीं सकता आप उस बात को। देश का सबसे बड़ा राज्य, 403 विधानसभा सीटें आती हैं और आधे से ज्यादा सीटें कम से कम आपको यहाँ पर चाहिए अगर सत्ता पानी है सूबे की, अगर वो चीज चंद्रशेखर आजाद को करनी है तो उन्हें सहयोगी दलों को साथ लेकर के चलना होगा। आप देखिए जिस तरीके से अगर चंद्रशेखर आजाद, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सुर एकजुट नजर भी आते हैं हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो चंद्रशेखर आजाद सपा के साथ एकजुट क्यों नहीं है, क्यों नहीं वे कांग्रेस के साथ एकजुट है अगर उनकी विचारधारा कुछ हद तक समान है या उनका जो विरोध करने का तरीका है या जिसके खिलाफ वो विरोध कर रहे हैं, जिसका वो विपक्ष बनकर के बैठे हैं, अगर वो यहाँ पर एक समान है तो चंद्रशेखर यहाँ सामंजस्य काहे नहीं बैठा पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज है, ऐसा सवाल है, ऐसी एक बात निकल के आती है जो चंद्रशेखर को भविष्य में एक बड़ा नेता बनने से पीछे रोक सकती है। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, इंडिया गठबंधन में एक सीट लोकसभा में देने का उनका जो ऐलान किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो मायावती जो अकेले चुनाव जो है हुंकार भरने का तमाम दावे कर रही है, दूसरी तरफ देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन लगभग वो विपक्ष की जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं उससे लग रहा है कि वो आ जाएंगे, तो ऐसे में क्या देश की राजनीति में जो 16% वोट बैंक है, या फिर विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की बात कर ले, तो क्या दलित वोट बैंक का फायदा इंडिया गठबंधन को यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा मायावती की किरकिरी होने के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में? देखिए बिल्कुल, इस बात में भी कोई दोहराए नजर नहीं आती, क्योंकि 22 के विधानसभा चुनावों का आपने जिक्र किया तो 50 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के हाथों से निकल गई, करीब 5000 वोटों से भी कम का अंतर था भाजपा और गठबंधन के प्रत्याशी के बीच, और उसमें दीवार बन के खड़े हुए यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी, करीब 50 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहाँ बसपा प्रत्याशियों के वोट अगर सपा प्रत्याशियों से मिला दिए जाए तो वे भाजपा के 50 से ज्यादा सीटें खा जाती है और यहाँ पर अल्पमत में बहुमत पार करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाता। वही चीज यहाँ नजर आती है, अगर आम चुनाव जो आ रही है वहां चंद्रशेखर आजाद एक सीट पर अपनी सहमति बनाते हुए अगर चले जाते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ, तो निश्चित तौर पर परेशानियां भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर एक सीट का आपने जिक्र किया, नगीना वो क्षेत्र है संसदीय, जहां पर चर्चा है कि चंद्रशेखर आजाद को समाजवादी पार्टी वो सीट ऑफर कर सकती है। करीब 16 लाख रजिस्टर्ड मतदाता नगीना क्षेत्र में आते हैं, वहां पर अगर
गौर करेंगे आप तो उन 16 लाख रजिस्टर्ड मतदाताओं में 6 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 9 लाख दलित मतदाता हैं, जो मुख्य रूप से सीधे तौर पर हम कहीं निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में अगर आप देखें कि चंद्रशेखर आजाद अगर गठबंधन में आ जाते हैं, अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेते हैं इंडिया गठबंधन में, तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल नगीना ही नहीं बल्कि और भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा सीटें होंगी जहां पर बीजेपी के लिए जो चुनौती है वो बढ़ सकती है। बिल्कुल, यहां पर बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद लगातार युवाओं की आवाज, दलितों के बड़े नेता के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप देखना यही होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की ये मेहनत कितनी रंग ला पाती है। फिलहाल अक्षय आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।